हेलो डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्यू विद रिजवान। आज के व्लॉग में हम आपको किसी झील की सैर नहीं करवा रहे, हम आपको एक गिटी दास की हाईस्ट पीक पे जाएंगे। वहाँ से हम आपके साथ बहुत सारे नज़ारे शेयर करेंगे और ऊपर जाके आपको दिखाएंगे हम एक तरफ नांगा पर्वत के पहाड़ और उसके साथ दुधी पत्सर, उसके साथ सराल पीक। सराल पीक से आगे आएंगे तो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर होगी कमाल लेक। कमाल लेक से आप नीचे देखेंगे तो आपको जलखट और साथ में बैसल, बाबूसर टॉप, बहुत सारे एरियाज़ ऊपर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आपने एंड तक देखना है, आप यकीनन बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो हम जा रहे हैं, इस पीक को क्लाइम करेंगे। तकरीबन ये सी लेवल से 14,000 फिट बुलंदी पर ये वाक़या है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हमने बड़ी मुश्किल से इसको क्लाइम किया ताकि हम अच्छे से नज़ारे कैप्चर कर सकें अपने नाज़रीन के लिए। तो आपने रहना है हमारे साथ इस व्लॉग में, हम जा रहे हैं ऊपर पीक पे। पीक देख सकते हैं आप, फाइनली पीक पे हम पहुंचे हैं। तो यही हाई किस्म का हमने ट्रैक किया है और पहली बार हमने एक पीक को एक्सप्लोर किया और पीक के ऊपर आए हैं। अगर आपको एक तरफ देखें तो दुधी पत्सर और सराल पास नज़र आ रहे हैं और अगर इस साइड पे आप देखें बाबूसर टॉप और ये जो सतसरमाला 7-स्टार लेक हैं ये नज़र आ रही है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म इस वक्त हम गिटी दास की जो हाईएस्ट टेकरी है, जो पीक है, उसके ऊपर हम मौजूद हैं। सुल्तान साहब मेरे राइट साइड पे दिखाइएगा, आपको लेक नज़र आ रही होगी। सुल्तान साहब ये दिखाइएगा, अगर लेफ्ट साइड पे आए तो सुल्तान साहब नीचे रोड वाली लोकेशन बता दें। तो मैं अपने व्यूज़ को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये सामने वाली एरिया जो है ये जलखट है और ये नीचे बैसल है। सुल्तान साहब आई एम राइट राइट राइट। और आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊँ, जो दुधी पत्सर को मैंने 2 दफ़ा हाइक किया, ट्रैक किया है, तो दुधी पत्सर मेरे इस साइड पे है। सुल्तान साहब वो सामने देखो, उसके पीछे नांगा पर्वत की टीप टेकरी नज़र आ रही है और एक तरफ सराल लेक है, वो पीछे टोटल जो माउंटेन नज़र आ रहा है। कैमरा इतनी जूम नहीं करके दिखा सकता आपको टोटली इस वक्त जितने नांगा पर्वत जितनी भी टेकरी नज़र आ रही है नजरीन। ये बिल्कुल आपको इस वक्त दुधी पत्सर का नज़ारा बिल्कुल मेरे नज़ारा एक साथ सुल्तान साहब देखेगा। तो मेरे बैग में देख सकते हैं ये जो पानी आ रहा है, आपको देखता होगा ये दुधी पत्सर लेक से निकलते हैं और ये ट्रेवल करके ड्राई कुनहार में जाके गिरता है। इंतहाई आइस लेक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे इस साइड पे सामने कमाल लेक है। सुल्तान साहब थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, ये भी अच्छी है। बैसल से इसको आना पड़ता है, तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग ट्रैकिंग है। ये है कमाल लेक, आपको बिल्कुल इस वक्त वाजे वाजे नजर आ रही है। तो कोई मसले की बात नहीं, ये है कमाल लेक, ये बर्फ का सफेद टुकड़े के आगे कमाल लेक। बैक पे करें, मेरे इस साइड पे अगर देखें तो बाबूसर पास है, इस तरफ बोडोगी टॉप है, तो ये नीचे आ जाता है गिटी दास। एक ही ट्रैक के ऊपर सारी चीजें हैं और बहुत जबरदस्त किस्म की लोकेशन है। आप लोगों को हम इन्वाइट करते हैं कि आप यहाँ पे आए, तो सर्दी बहुत ज्यादा है, हम लो सीजन में आ गए हैं। आप देख रहे होंगे ग्रीनरी खत्म है, बिल्कुल टोटली आपको ब्राउन नज़र आ रहा है सारा कुछ। तो हम बड़ी मुश्किल से नीचे लेक दिखाएं, इससे ऊपर हम हाइकिंग करके आए इस ट्रैक से, सारा पथरीला रास्ता है, बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है। तो
बड़ी ऊंची टोकरी के ऊपर मौजूद है और बड़ी डर सा महसूस हो रहा है। लेकिन सुल्तान साहब नागा पर्वत और रूट टॉप वाली वो सामने टेक रही है, एक नजर आ रही है। अच्छा, अब आपको मैं बिल्कुल जूम करके ये बता रहा हूं। ये है, आप स्टिक लगाएं। अच्छा, आप मैं पहले कमाल लेक दिखाते हैं। कमाल लेक और ये बर्फ का पीक आपको बिल्कुल व्यू करके बिल्कुल ये है कमाल लेक। थोड़ा और ये स्टेक, ये स्टेक आपको नजर आ रही होगी व्यूज। ये है कमाल लेक, ये कमाल लेक है। ये दुधीपात सर, कैमरा बहुत जूम हुआ है सगत। अरे पीछे हमारी साइड पे दुधीपात सर लेक और टोटली नागा पर्वत नजर आ रहे हैं। ये सारा नागा पर्वत है। ये दुनिया की तीसरी हाइंगेस्ट टेकरी है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा माउंटेन है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा बादशाह है बाघ। ये इसको कहते हैं किलर माउंटेन। इसके ऊपर बहुत सारे कौ पैमा ने अपनी जान दी है। तो आप पीछे व्यू कर सकते हैं दुधीपात सर को भी, आप अपने एक अलग एंगल से। आप आपको कमाल लेक नजर आ रही है और वह सामने दुधीपात सर, और यहाँ पर अगर जूम करके मैं आपको बताऊँ तो ये है सतसरमाला झील की नज़ारा। और ऊंचाई हाइट पे है इस वक्त। ये टेकरी देख सकते हैं आप, ये दुधीपात सर का पानी आता हुआ दुधीपात सर दिख रही है। हाइट बहुत ज्यादा है, मुझे खुद यहाँ से पता गया तो क्या बहुत ज्यादा हाइट है। मैं आगे की तरफ नहीं जा रहा, आपको दूर से दिखा रहा हूँ। हाइट बहुत ज्यादा है और हमारे कुछ साथी भी यहाँ पर दूसरी टेकरी की जानब उस, और ये देखे अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। ये है हमारे साथी, ये नजर आ रहे हैं आपको आसान भाई हमारे, ये ब्लैक वाले बहुत दूर बिल्कुल पहाड़ के पीछे आपको दिखाई दे रही बिल्कुल। और इसी के साथ डियर व्यूअर्स, मैं तो कह रहा हूँ जन्नत की वादी में आए।